नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। झुंझुनू की बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना लोहा बनाकर कायम किया है, लेकिन अब झुंझुनू की बेटी ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल होकर साबित कर दिया है कि झुंझुनू की बेटियां न केवल जिले बल्कि प्रदेश या देश में बल्कि पूरे विश्व में अपनी धाक रखती हैं। जी हां, झुंझुनू की जाखल गांव की बेटी प्रज्ञा शेखावत अमेरिका की एयरफोर्स में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हुई है, जो पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है। ये रिपोर्ट देखिए। वीरों की धरा है। इसी कड़ी में जाखल गांव की बेटी ने सफलता की एक बड़ी उड़ान भरकर साबित कर दिया है कि यहां की बेटियां किसी सूरत में कम नहीं है, वो चाहे विदेश ही क्यों ना हो। जाखल निवासी और अमेरिका प्रवासी दुष्यंत सिंह शेखावत की बेटी प्रज्ञा शेखावत अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुई हैं। प्रज्ञा के भाई सुबीर सिंह शेखावत पहले से ही अमेरिकन एयरफोर्स में कैप्टन के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे गांव सहित पूरे जिले में खुशी की लहर है। प्रज्ञा को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में 19 सितंबर 2020 को कमीशन मिला है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार अमेरिकी एयरफोर्स की सैल्यूट सेरेमनी सामान्य रही। इस सेरेमनी में प्रज्ञा की 91 वर्षीय दादी भी शामिल हुई। इस मौके पर प्रज्ञा ने पहला सैल्यूट अपने भाई को किया। झुंझुनू के जाखल गांव के रहने वाले दुष्यंत सिंह शेखावत ने चाहे सालों पहले देश छोड़कर अमेरिका को अपनी कर्मभूमि बना लिया हो, लेकिन जन्मभूमि को लेकर उनका प्रेम कहीं पर भी कम नहीं है। पहले उन्होंने, फिर उनके बेटे ने और अब उनकी बेटी ने अमेरिका में देश का झंडा गाड़कर न केवल जाखल झुंझुनू राजस्थान का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। दुष्यंत की बेटी प्रज्ञा दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकन एयरफोर्स में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हुई हैं। दुष्यंत के परिवार के सदस्य और पड़ोसी जगदीश सिंह ने बताया कि दुष्यंत और उन्होंने एक साथ पढ़ाई की है। प्रज्ञा जो दुष्यंत की बेटी है, दुष्यंत जो है वो उसको मैंने स्वयं ने जो है उसको सातवीं आठवीं क्लास में मैथ्स पढ़ाया उसको, वो मेरे परिवार से ही है। उसके बाद में जो बीएससी फाइनल ईयर में था तो उस समय मैं टीचर बन गया था। मैं जगदीश सिंह नाम है मेरा, अभी मैं लेक्चरर हूँ और हम 2-3 साल तक रूम पार्टनर रहे हैं। तो दुष्यंत के मैं काफ़ी नज़दीक रहा हूँ, वो परिवार का सदस्य होने के नाते दुष्यंत बहुत ही मेहनती और अपना जो एम जो डिसाइड कर लेता था उसके प्रति बड़ा दृढ़ संकल्प था वो। जगदीश सिंह ने बताया कि प्रज्ञा करीब 3 साल पहले गांव आई थी और 1 साल के लिए यहां ठहरी थी। यहां पर उन्होंने 15 बच्चों का चयन करके उन्हें रोबोटिक सिखाया और फिर दिल्ली में एक प्रतियोगिता के लिए भी लेकर गई। यहां के बच्चों से प्रज्ञा का गहरा लगाव हो गया था, जो आज भी उन बच्चों से संपर्क में है और समय समय पर उन्हें मोटिवेट करती रहती है। हम 15 बच्चे थे और दीदी हमें वहाँ से अमेरिका से रोबोटिक्स सिखाने के लिए आई थी और हम स्कूल में भी जाती थी और यहाँ मंदिर में भी सिखाती थी। फिर वो वहाँ से सामान भी लाई थी, फिर हमें दिल्ली लेके गई कंपटीशन के लिए। फिर हम वहाँ कंपटीशन के लिए भी गए थे तो दीदी ने हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया और कुछ अच्छा करने के लिए भी सिखाया था। हम दिल्ली गए तब हमें पता चला कि आगे बढ़ने के लिए कैसे मंजिलें हमें पार करनी पड़ती है। तो दीदी बहुत अच्छी थी और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और दिल्ली में ले जाके हमें घुमाया भी था। प्रज्ञा की सफलता पर पूरे गांव में खुशी की लहर है। गांव की बुजुर्ग महिला ने बताया कि प्रज्ञा ने जो नाम रोशन किया है उससे पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है। आप बहुत अच्छा काम करिया जाखल के लिए, आपका गांव का नाम हमने बहुत रोशन करिया और हमने आपका बहुत खुशी हुई। हम गए बहुत खुशी हो गई भाई, अपना गांव का बहुत करे है, बहुत खुशी हुई, अपने परिवार का बहुत पड़ोस का बहुत खुशी हो गई। हम फुरनम आई जब मन को पता लगे।
दरअसल प्रज्ञा के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा उनका भाई सुवीर रहा, जो 5 साल पहले अमेरिकन एयरफोर्स में शामिल हुआ और अब प्रमोशन लेकर कैप्टन है। पिछले दिनों हुई कमीशन सेरेमनी में भी लेफ्टिनेंट कमीशन मिलने के बाद प्रज्ञा ने अपना पहला सल्यूट अपने कैप्टन भाई को दिया। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रज्ञा अपने गांव भी आएंगी, उस वक्त का गांव के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। न्यूज इंडिया के लिए सुजीत शर्मा की रिपोर्ट।